तो एप्लीकेशन ऑफ लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल देखना है। इसमें बट प्रॉब्लम पूछेगा तो कुछ एक टाइप का रहता है, पांच छह टाइप का बट प्रॉब्लम अराइज हो सकता है तुमसे। पहला इसमें बेस्ड ऑन नंबर हो सकता है, बेस्ड ऑन नंबर्स, फिर बेस्ड ऑन फ्रैक्शंस, बेस्ड ऑन फ्रैक्शंस, तीसरा तुम्हारा बेस्ड ऑन एजेस आएगा, बेस्ड ऑन एजेस भी पूछ सकता है तुमसे, चौथा बेस्ड ऑन ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन, बेस्ड ऑन ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन, बेस्ड ऑन डिस्टेंस, एंड लास्ट वन बेस्ड ऑन तुम्हारा अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम भी डिस्टेंस में ही आ जाएगा। और एक कुछ थोड़ा मिसलेनियस पूछ देगा, जिसमें मिसलेनियस में कैसा कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है, तो टाइम एंड वर्क का कि पांच आदमी छह आदमी ऐसा वाला सिचुएशन, तुमने बहुत पहले से ऐसा क्वेश्चन बनाते आया होगा, तो इन तरीके का भी क्वेश्चन तुमसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इन सब पे फोकस करेंगे। तो आई थिंक सबको थोड़ा थोड़ा आइडिया होगा, क्लास 8 में भी ये चीज पढ़ रहा था तुम लोग ने, वहां पे एक वेरिएबल्स में पढ़ा था, अभी क्या कर लेना है उसको दो वेरिएबल्स में सीखते चलना है। तो जैसे हम सब पे कुछ कुछ क्वेश्चन देंगे, हमारा मेन फोकस तुम्हारा मेरा डिस्टेंस वाले पे रहेगा, इस पे ज्यादा क्वेश्चन कराएंगे, और देखते हैं ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन और मिसलेनियस पे, इन सब चीज से ज्यादा क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, तो इन सब चीज पे हम ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, तो और एक इसमें एक और पूछ सकता है, जो कि होता है बेस्ड ऑन आर्टिकल एंड देयर कॉस्ट, आर्टिकल्स एंड देयर कॉस्ट। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग। जैसे सबसे पहले हम इसी पे बेस्ड ऑन नंबर्स पे चर्चा करते हैं, जो कुछ पार्टिकुलर क्वेश्चन है ना इसमें हम वो करवा देते हैं, जिसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है वो तुम लोग को, अगर नहीं होता है तब तो और भी अच्छी बात है। तो जैसे एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, डिजिट्स का आइडिया तो होगा सबको, यूनिट डिजिट और दो डिजिट से बन करके एक नंबर बना है, हम फिर क्या कर रहे हैं उसके डिजिट को इंटरचेंज कर रहे हैं, तो नंबर में कुछ चेंजेस आ रहा है, ऐसा करके कुछ क्वेश्चन आता है। तो एक पहला क्वेश्चन दे रहे हैं, उस पे कर लेना एक बार, कोई जिससे नहीं बनेगा बोलते चलेगा। तो क्वेश्चन तुम्हारा कुछ ये है, अ टू डिजिट नंबर, अ टू डिजिट नंबर इज फोर मोर देन, इज फोर मोर देन सिक्स टाइम्स, फोर मोर देन सिक्स टाइम्स द सम ऑफ इट डिजिट, अ टू डिजिट नंबर इज फोर फोर मोर देन सिक्स टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। ठीक है, If 18 is subtracted from, if 18 is subtracted from the number, the digits are reversed. The number निकालना है, निकालो सबको। The digits are फाइंड द नंबर, फाइंड द निकालो फटाफट। पहले मैंने मान लिया है कि अपन का वेलोसिटी जीरो था, वेलोसिटी तो वो 2 सेकंड
64 सबसे बनना चाहिए, बन गया होगा। किसी को डाउट होगा तो पूछेगा। बन गया सबसे, बन जाते बनते जाएगा, रीजन करते चलना चाहिए। दीक्षा बन गया, ठीक है। हाँ भाई, बाकी लोग बनाओ बनाओ। बस एक से ही बना। दीक्षा तेरा बन गया ना? दीक्षा, शनि बन गया है। रेज हैंड कर दे भाई, कब से हम वेट कर रहे हैं, कोई रेज ही नहीं कर रहा। शुरू में आंसर बोल दिया था ना, तो एटलीस्ट रेज हैंड कर देना ताकि मुझे पता चल जाए बन गया सबसे। ऐसे लगता है कि कोई नहीं बना पाया। ईशान एंड हर्ष, ईशान हर्ष, हर्ष से बन गया ईशान। हेलो ईशान, सुन पा रहा है क्या? हाँ सर, बना रहे हैं। बना रहे हो अभी? बनाओ बनाओ, हो जाएगा, हो जाएगा। क्या हो गया? हेलो, हाँ बस वो होने वाला है। ठीक है, तो जहां तक लग रहा है सबसे बन चुका है, तो हम दूसरे क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इसको डिस्कस करने का नीड नहीं है ना? बोलो, सबको बना ही लिया है तो फिर सबका आ गया 64। चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट लिखना। इफ थ्री टाइम्स द लार्जर ऑफ टू नंबर्स is divided by the smaller one, we get 4 as quotient and 3 as remainder. Remainder. Also, if 7 times the smaller number is divided by larger one,
बी गेट 5s कोसेंट 5s कोसेंट एंड 1s रिमाइंडर 1s रिमाइंडर फाइंड द नंबर्स बनाओ फटाफट फाइंड द नंबर्स 648 हो रहा है यहाँ पे दिख रहा है 648 तुम लोग को 651 तक का टाइम दे रहे बस 651 सिंपल क्वेश्चन है तो 25 और 18 ठीक है दो लोग से बना रेज हैंड करते चलो 25 और 18 आना चाहिए चार लोग से बना है ठीक है दो लोग और रह गया भाई हर ईशान तुमसे बना क्या ईशान हाँ सर बन गया ओके देन बढ़िया यस सर आपका आवाज नहीं आ रहा सर मैं ईयरफोन खराब हो गया है किसका ईयरफोन खराब हो गया तेरा हर्षराज हर्षराज बन गया यस सर चलो फिर ये भी क्वेश्चन एटलीस्ट क्या सबसे बन ही गया तो फिर हम इसको भी डिस्कस नहीं करेंगे एक आखिरी क्वेश्चन नंबर पे डिपेंडेंट है वो कर लो ऑनेस्टली बताना भाई बन जा रहा है तो ये नहीं कि जबरदस्ती आप बता दिए अ टू डिजिट नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय आइदर मल्टीप्लाइंग द सम ऑफ डिजिट्स द एटीए आईएमओ में पूछा था आईएमओ बोल रहे हैं एनटीएससी में एक बार पूछा था डिजिट बाय 8 एंड देन सब्ट्रैक्टिंग 5 और by multiplying the difference of digits by 16 ध्यान से क्वेश्चन दो तीन बार पढ़ना और फिर बनाना इसको and then adding 3 Find the number. दो तीन बार क्वेश्चन पढ़ना आराम से फिर बनाने का कोशिश करना इसपे हम टाइम दे रहे तुम लोग को
करवानी थी 26 है कि 16 है? 16, 16. सर 83 कितना? 83 नहीं, एक मिनट लेट मी चेक. हाँ 83. सर सर उसमें सब्ट्रैक्टिंग 5 सर एक्चुअली मैं ईयरफोन ये अचानक से फ्रीक्वेंसी बढ़ गया था और वो अजीब सा आवाज आ रहा था तो फिर दिख नहीं रहा है बेवकूफ स्क्रीन नहीं दिख रहा है सर मेरे को क्वेश्चन है सर आवाज ही नहीं आ रहा था तो पूछे कैसे सर सर उसमें और बाय मल्टीप्लाइंग का डिफरेंस क्या है कहां पे और बाय दो देखो दो इक्वेशन तुमको लाना होगा ना तभी तो एक नंबर फॉर्म होगा समझ रही है तो हाँ, ये है तुम्हारा पहला सिचुएशन कि उसके डिजिट को कोई नंबर फॉर्म हो रहा है अच्छा पहले ट्राई करो बाकी लोग दो लोग से बना है सनी शुभम और क्षितिज बना क्या तुमसे हाँ सर मार खाएगा फिर रीजन क्यों नहीं करता है अच्छा कर दे सर हाथ तो एक तो हाथ दर्द नहीं दे रहा है तुम्हारा थोड़ी ना हाथ खड़े रखना है बस उसमें ये कर देना है क्लिक कर देना है तीन लोग बना लिए अच्छी बात है चलो भाई बहुत टाइम दे दिए 5 मिनट तो दे ही दिए बाकी लोग से नहीं बन रहा है क्या प्रिया दीक्षा ईशान बन गया सर बन गया ठीक है प्रिया घोषाल सर इक्वेशन पता नहीं आ रहा आंसर मेरा पता नहीं फ्रैक्शन में आ रहा है इक्वेशन गलत की होगी कहीं दीक्षा वो लाइन ही समझ नहीं आ रहा सर करना क्या है उसमें देखो समझो क्या करना है जैसे तुम्हारा कोई नंबर का टू डिजिट नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय आइदर मल्टीप्लाइंग द सम ऑफ डिजिट बाय सम ऑफ द डिजिट बाय 8 जैसे तुम्हारे पास कोई नंबर बन रहा है जैसे यूनिट डिजिट नंबर का समझना जिससे नहीं बना यूनिट डिजिट इसका अगर हम एक्स ले ले और टेंथ डिजिट इसका वाई तो नंबर क्या मिलेगा
10y plus x, ठीक है। अब ये क्वेश्चन में यही बोला ना, जो ये नंबर ऑब्टेन हुआ है 10y plus x, ये कैसे ऑब्टेन हुआ है? तो ये नंबर कैसे ऑब्टेन हुआ, तो पहला सिचुएशन दे रखा है, अ टू डिजिट नंबर इज ऑब्टेन बाय आइदर मल्टीप्लाइंग द सम ऑफ डिजिट बाय 8 एंड देन सबट्रैक्टिंग 5। मतलब दो सिचुएशन है इस नंबर को डिजिट करने के लिए। पहला केस ये है, केस फर्स्ट, कैसे नंबर निकल के आ रहा है, तो क्या कर रहे हैं हम, डिजिट को 8 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं और फिर उसमें 5 सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं। आया कुछ समझ में? यहाँ से एक इक्वेशन बना लेना। और दूसरा सिचुएशन ये बोला, और बाय मल्टीप्लाइंग द डिफरेंस ऑफ द डिजिट बाय 16, जो नंबर निकल के आ रहा है, बाय मल्टीप्लाइंग द डिफरेंस ऑफ डिजिट बाय 16 एंड एडिंग 3। बस ये दो इक्वेशन था, इसी को सॉल्व करना था। कुछ समझ में आया? यस ना, बन गया था, उसके बाद ही नहीं समझ आ रहा था। अब क्या नहीं समझ में आ रहा, मारेंगे ना तुमको, इसको सॉल्व करो। अच्छा, 10y plus x equals to 8x plus 8y minus 5, हाँ, क्या हो जाएगा ये, 2x minus 7y, 2x minus 7y, मतलब मैंने x लिया था 10x plus y। हाँ, तो फिर वहां से ये इक्वेशन 1, 2, इसको रिजोल्व करेगी तो थर्ड वन, और इसको रिजोल्व करेगी तो फोर्थ वन, फिर थर्ड और फोर्थ को सॉल्व कर देना था बस। इसमें क्या इतना सोच रही थी। चलो, तो ये डिजिट का ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा आई थिंक, तुम लोग से ये सारा बनना चाहिए। अब डिजिट हो गया तुम्हारा बेस्ड ऑन नंबर, इस पे हम खत्म करते हैं। अब बेस्ड ऑन फ्रैक्शन पे आते हैं, ये तो आ रही आसान सा चीज है, ये लोग ये सब तू लोग आराम से करते चले जाएगा। तो हम बेसिक क्वेश्चन इसका छोड़ रहे हैं तुम लोग के लिए, अपने से करते रहना थोड़ा सा क्वेश्चन लेवल। आगे क्या है, बेस्ड ऑन नंबर्स, सॉरी बेस्ड ऑन फ्रैक्शन। चलो एक आसान सा क्वेश्चन, सब कोई बना लेगा तुरंत, प्रॉपर क्वेश्चन नहीं लिख रहे, बस हम इसमें डिटेल में ये दे रखा है, एक जो फ्रैक्शन है वो 9/11 हो जाता है, कब, जब हम दो ऐड करते हैं बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर पे। दो ऐड कहाँ कर रहे हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर पे, इसको हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। और सर क्या बोले सर, फिर से बता दीजिए, नेट कनेक्शन चला गया था, यही वाला। अब फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन है जो 9/11 हो जाता है, कब, जब हम उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दो ऐड करते हैं, ठीक है। और जब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 ऐड करते हैं तो हमारा फ्रैक्शन हो जाता है 5/6, कब, जब प्लस 3 ऐड करते हैं हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। तो तुरंत बना होगा इस क्वेश्चन को, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 मिनट दे रहे हैं बस, सबसे बनना चाहिए, अरेंजमेंट करते चलना। क्वेश्चन आ गया समझ में सबको? सेकंड वाला 3 प्लस 5/6 हो जाता है फ्रैक्शन, जब हम 3 ऐड एंड ऐड करते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। बन गया 7/9, ठीक है। जिससे नहीं बनेगा बताएगा। ट्रैवल करना इंपोर्टेंट है।
दो लोग से बस बना क्षितिज प्रिया कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहा है क्या बार बार शनि दीक्षा ठीक है हर्षराज एंड शुभम बोलते तब रिजाइन करता है चलो फिर इसको भी डिस्कस नहीं करेंगे बढ़िया है तुम लोग का बनाते चलो हम भगाते चलेंगे ऐसे ही ये तो तीन बार ये क्वेश्चन पूछा है इसको कर लो एक बार बहुत ही आसान है द सम ऑफ लिख दे रहे हम डायरेक्टली या चलो क्वेश्चन ही लिख लो द सम ऑफ द न्यूमरेटर The sum of the numerator and denominator of a fraction is three less than twice the denominator. The sum of the numerator and denominator of a fraction is 3 less than twice the denominator. If the numerator and denominator are decreased by 1, the numerator become half the denominator. Determine the fraction. चलिए बनाइए क्वेश्चन दिख रहा है सबको अच्छे से सुजोय बहुत लेट आए हाँ सर कुछ काम आ गया था इसलिए थ्री बाय सिक्स है सर ना वन बाय टू ना और नहीं. कुछ बोल दे कुछ और द सम एंड सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज थ्री लेस देन ट्वाइस द डिनोमिनेटर इज थर्ड न्यूमरेटर बाय सेवन कितना बाय सेवन फोर बाय सेवन हाँ ठीक है फोर बाय सेवन चलो बढ़िया इसी स्पीड में बनाते चलो फिर हम आगे तीसरे सेक्शन पे हम मूव करेंगे बनते जाना रेड हैंड करते जाना 4x7 आंसर आएगा इसका चार लोग से नहीं बना है ईशान दीक्षा रेज हैंड कह रहे यार कितना बार बोलना पड़ेगा
जब रेज हैंड डाउन करने बोले तभी करा करो। सुजोय बस तू ही बच गया एक। सर मैं बना लूंगा सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पहले। चलो फिर ठीक है, तो दो सेक्शन अभी कंप्लीट किए, ठीक है, एक नंबर वाला कंप्लीट किए थे और अभी हमारा फ्रैक्शन वाला भी कंप्लीट हो गया। हम तेजी से चैप्टर भगा रहे हैं, मतलब भगाने का मतलब कुछ जरूरी क्वेश्चन ही करा रहे, बेसिक तुम लोग बना रखा होता है। अब हम लोग मूव करेंगे थर्ड सेक्शन पे जो की है बेस्ड ऑन एजेस। इस पे एक क्वेश्चन भेजा था, कभी याद है तुम लोग को, समीर ने भेजा था, वो थोड़ा बहुत अच्छा क्वेश्चन था, उसको हम आज फिर से देंगे। तुम्हारा काम होगा उसको घर पे बनाने का। तो बेस्ड ऑन एजेस में तुम लोग क्वेश्चन पहले से बना रखा होता होगा तो कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। तब भी एक दो क्वेश्चन दे रहे हैं, ज्यादा कुछ नहीं देंगे इस पे। पहले एक एकदम बेसिक क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी में दे रखा है तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन तुम लोग अपने से बनाते रहना। ये कर लो एक, 10 years ago a father was, तुरंत बनना चाहिए, a father was 12 times as old as his son, ठीक है, and 10 years hence, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, and 10 years hence he will be twice as old as his son then, as his son will be then. Banao isko, find their present ages. 2 minutes ka time bas. So 12 or 34. Kitna? 12 or 34. हाँ ठीक है, 12 किसका एज होगा, फादर का, सन का, अच्छा, और 34 फादर का है ना। बेवकूफ वाला क्वेश्चन था ये। चलो नेक्स्ट करते हैं, सबसे बन गया, अभी इसे 2 मिनट हुआ नहीं है इसलिए बनाओ। पांच लोग से बन गया, बढ़िया है, छह, दो लोग और रह गए, बस एक दीक्षा तू बची है अब। सर आंसर, अच्छा, 12 and 34 आ गया क्या? यस सर। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा ये है, A is elder to B by 2 years his father F his father F is twice as old as A and B is twice as old as his sister S. Sister S. A is elder to B by 2 years. A's father
F is twice as old as A and B is twice as old as his sister S. If the age is of the father and sister differ by 40 years आराम से क्वेश्चन पढ़ के बनाते चलना 40 years find the present ages of father and son एक मिनट नहीं find the age of A 26 कौन बना गया बन गया बना रखा है क्या पहले से 26 हाँ ठीक है बाकी लोग बनाओ सर ये तो एक वेरिएबल से भी बन सकता है ऐसा हाँ हाँ कोई नीड नहीं है मल्टीपल चॉइस वगैरह क्वेश्चन आता है तो तुम्हारे पास तो बहुत सारा ऑप्शन है ना लेकिन अब अगर क्लास में पूछ देता है क्लास 10 वाले एग्जाम में तो तुमको दो वेरिएबल का यूज करना पड़ेगा हाँ. तो बोर्ड में नंबर काट देता है चलो बनाओ सबको इसके बाद एक थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा था जो बहुत पहले पूछा गया था मैंने इसको सॉल्व किया था सबको नहीं पता होगा मे बी ये क्वेश्चन के बारे में ये सब पहले सबको सॉल्व कर लेना अगर नहीं बनता है तो बताना हम तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन बस लिख रहे हैं जिससे पहला बनेगा वही सेकंड पे मूव करना बनाओ किसी से बना था क्या ये बहुत पहले ये क्वेश्चन आया था ये बन गया ना इसके पहले का सब क्वेश्चन किसी कोई है ऐसा जिसके नहीं बना तो बताएगा कोई भी ऐसा इस क्वेश्चन के पहले ये जो क्वेश्चन मैंने दिया था ए जो जिसमें एजेस ऑफ फाइंड द एज ऑफ ए निकालना था सबका आ गया था आंसर चलो ठीक है आ गया था तो इसका आंसर 26 ईयर है Thank you.
ये अच्छा क्वेश्चन है, तुम लोग ट्राई करके आएगा एक बार, नहीं बनेगा अगली क्लास में इसको डिस्कस कर देंगे, बट अभी कोशिश करो दो तीन मिनट और। 63 और 90 कुछ बोलना है? थोड़ा लॉजिकल है, ज्यादा नहीं। और ये तो पूछ नहीं रहा है तुमसे बोर्ड में, कभी भी नहीं पूछ रहा ये क्वेश्चन, इसके लिए निश्चिंत रहना। बना क्या और किसी से तो ऐसे नहीं बना। दे तुम लोग को होमवर्क करके आओगे? प्रिया तुमको तो मैंने बता yes. दिया था, ये प्रिया घोषाल तुमसे भी नहीं बना, भूल गए। अच्छा कोई बात नहीं, तो एक बार ट्राई करना और ऑनेस्टली खुद से बनाना, ये नहीं कि फोन खोल के बैठ गए, उसमें हर चीज का सोल्यूशन मिल जाएगा लेकिन मजा नहीं आएगा। फिर खुद से ट्राई करना, नहीं बनता है तो फिर हम बता देंगे, ठीक है? ये बोर्ड में नहीं पूछ रहा है कभी, इतना इसके लिए निश्चिंत रहना तुम लोग। चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट सेक्शन पे हम मूव करते हैं। इसमें तीन सेक्शन हमारा कम्प्लीट हो गया, इसमें बेस्ड ऑन एजेस भी हो गया, बेस्ड ऑन नंबर, बेस्ड ऑन फ्रैक्शन हो गया। थोड़ा आर्टिकल एंड देयर कॉस्ट पे मूव कर लेते हैं अब। उसके बाद क्वेश्चन सबको लिख लिया क्या? क्वेश्चन लिख लिया ना सबको ही? इसका आंसर 30 एंड 52 आना चाहिए, 30 एंड 52। ट्राई करके देखना, नहीं बनता है तो सिखा देंगे हम। तो अब हम लोग मूव कर रहे हैं नेक्स्ट, बेस्ड ऑन आर्टिकल्स एंड देयर कॉस्ट। ये सेक्शन भी तुम लोग के लिए आसान होगा, आर्टिकल एंड देयर कॉस्ट। ये सब तो करते आ रखा है तुम लोग बचपन से, तो एक दो क्वेश्चन कराएंगे इस पे, ज्यादा कुछ नहीं कराएंगे। तो तुम्हारा क्वेश्चन कुछ ऐसा है, इसमें पहला बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, ये शायद करवाना मेरे लिए बेवकूफी होगा, तुम लोग खुद कर लेगा, कि 3 बैग 4 पेंसिल टुगेदर कॉस्ट 257, 4 बैग 3 पेंसिल मिलकर के 324, फाइंड द कॉस्ट ऑफ एक बैग एंड 10 पेन। ये सब तो बचपन से करते आ रहा है, तो इन सब क्वेश्चन को हम छोड़ रहे हैं, ठीक है? एक किस तरीके का क्वेश्चन तुम लोग से पूछ देता है कभी कभी, कि जैसे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इसको थोड़ा ट्राई कर लेना,
लेंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज for the first 3 days and additional charge for each day thereafter ठीक है money is paid 27 and keep book for 7 days clear while Suri paid 21 for the book keep for 5 days find the fixed charge NCERT का क्वेश्चन है थोड़ा सा ये तुरंत बन जाना चाहिए ऐसे find the fixed charge and additional charge कोशिश करो and additional charge sir 3 rupees and 15 rupees कितना fixed charge और 15 rupees हाँ और 3 rupees for additional ठीक है चलो बढ़िया तो बेसिक क्वेश्चन है यार ये सब कर लेना चाहिए तुम लोग से तो बन जाना चाहिए जिससे नहीं बनेगा पूछ लेगा हाँ सर बोलो नहीं चाहिए ठीक है चाबी दे रहा एक मिनट रुक जाना थोड़ा सबसे बन गया एक दीक्षा और हर्ष से नहीं बना है शायद तो आंसर क्या है आंसर इसका है 15 rupees है फिक्स डे का मतलब जो तुम्हारा पहला 3 डे है उसका फिक्स डे का 15 rupees है एंड एडिशनल डे मतलब पर डे उसके बाद 3-3 rupees लगते चलेगा ठीक है नहीं बना क्या बनने वाला है अच्छी बात है थोड़ा इसमें तुम लोग ये सब क्वेश्चन पे फोकस्ड हो जाना कभी कभी इसमें प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन इसमें डाल देता है तो थोड़ा उसका फॉर्मूला वगैरह याद रखना नहीं तो देख कंफ्यूज हो जाएगा एग्जाम में जैसे क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं इसको खुद से ही ट्राई करना ये बन गया सबसे दीक्षा बन गया Yes, sir. ईशान का क्या सीन है भाई वो तो अपना माइक ऑफ रखा है कहां से कुछ सुनेगा वो चलो क्या करें बाकी सबसे बनिया था ये क्वेश्चन ऐसा थोड़ा क्वेश्चन एक बार खुद से ट्राई करते रहना ये ऑन सेलिंग आर टीवी बस इसको लिख दे रहे हैं या छोड़ो
देख लेना कुछ सजा करके ये सब क्वेश्चन। और एक इस तरीके का क्वेश्चन भी पूछ देता है इसमें कि जैसे वन सेज गिव मी 100 आई शैल देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू, द अदर रिप्लाइज इफ यू गिव मी 10 आई शैल बी 6 टाइम एज रिच एज यू। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ठीक है, ऐसा क्वेश्चन। इन सब क्वेश्चन को थोड़ा खुद से बना लेना, अगर डाउट होता है तो पूछ लेना ठीक है। एनसीईआरटी में दे रखा है इस तरीके के क्वेश्चन, इसमें बहुत तरीके का क्वेश्चन मिलेगा। एक जैसे ए एंड बी ईच हैव अ सर्टेन नंबर ऑफ मैंगोज, दे सेड टू बी गिव मी 30 ऑफ योर मैंगोज देन आई विल बिकम 20 मोर देन यू। इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, उसका इक्वेशन खुद बना लेना और बनाते चले जाना। क्या कराने का जरूरत है ऐसा क्वेश्चन, कोई नीड किसी को इस तरीके का क्वेश्चन का? नो सर। नहीं ना, प्रिया दीक्षा हर्ष बोलो सब लोग, बाकी लोग नहीं सर। नहीं ना, ठीक है फिर तो आगे मूव करते हैं। फिर ये सेक्शन भी तुम्हारा हो गया, अब बच गया तुम्हारा बेस्ड ऑन डिस्टेंस, बेस्ड ऑन ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन एंड मिसलेनियस। तो डिस्टेंस में अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का सिचुएशन सबको पता है ना, अपस्ट्रीम के केस में क्या होता है, स्पीड को ऐड करते हैं या माइनस करते हैं? माइनस करते हैं। एंड डाउन स्ट्रीम के केस में दोनों की स्पीड को हम लोग ऐड करते हैं, ये याद रखोगे सब कोई। तो इस पे कुछ क्वेश्चन देते चलेंगे। पहले एक क्वेश्चन जो बहुत बार पूछा है इसको कर लो, बेस्ड ऑन डिस्टेंसेस एंड स्पीड। जैसे एक बेसिक क्वेश्चन ऐसा बहुत बार पूछते गया है तुम लोग से कि जिस क्वेश्चन लिख दे रहे हैं इन सब पोर्शन पे आप ध्यान देना। जिसको थोड़ा भी वर्ड प्रॉब्लम में दिक्कत आता है तो बेसिकली जो दिक्कत अराइज होता है तुम्हारा बेस्ड ऑन डिस्टेंस और स्पीड पे ही आता है ठीक है। और मिसलेनियस क्वेश्चन कुछ पूछ देता है तो उसमें प्रॉब्लम करेगा, तो इन सब पोर्शन पे ज्यादा फोकस रहेगा। इसके पहले का सारा सेक्शन बहुत ही आसान लगता है। तो जैसे एक क्वेश्चन है डिस्टेंस पे, पॉइंट्स ए एंड बी आर 90 किलोमीटर अपार्ट, फ्रॉम ईच अदर ऑन हाईवे, ठीक है। अ कार स्टार्ट फ्रॉम A and another from B at the same time if they go in the same direction they meet in 9 hours. And if they go in opposite direction, they meet in 9 by 7 hours. Find their speed. They meet in 9 by 7 hours. Find their speeds. Thank you.
सर 40 और 30 कितना कितना 40 एंड 30 हाँ ठीक है समझा देंगे जिससे नहीं बनेगा इसको आसान तरीके से एक बनाने का होता है कोई है जिससे नहीं बनेगा तो बोलो समझा देते हैं एक क्वेश्चन समझा देंगे अच्छे से थर्टी किलोमीटर पर आवर एंड एक है 40 किलोमीटर पर आवर बताओ बाकी लोग समझा दे क्या क्वेश्चन इसका शुभम से बना एक सुजो शुभम देखो आसान सा तरीका आसान सा क्या ये बट समझ जाओ अच्छे से इसको कि ऐसा कुछ अगर बन जाए सकते तो फिर हम तो छोड़ ही देंगे बताओ भाई सनी प्रिया दीक्षा क्या सिचुएशन है तुम लोग का समझा दे या बना लोगे बता दीजिए सर बता दे चलो देखो हाँ, सर, नहीं बना। कैसे इन ऐसे क्वेश्चन को कैसे डील करना है थोड़ा समझ लेना आज ऐसे क्वेश्चन क्या बोला पॉइंट ए एंड बी आर 90 किलोमीटर अपार्ट From each other on a highway. Distance इसमें दिख रहा है कि fix हो गया जैसे कोई point A है and point B है A point है और यहाँ पे point B है इन दोनों के बीच का distance कितना है तो थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं point A and point B इन दोनों के बीच का distance कितना हो गया 90 किलोमीटर ठीक है अब क्वेश्चन में ये बोला अ कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम डायरेक्शन ठीक है तो पहले रुक जाओ इसके पहले कुछ जो हमें कथा कहानी लिखना होता है वो लिख देते हैं क्या क्या लिखते चलोगे तो लिख लेना कि जैसे लेट एम एंड एन लेट एम एंड N B two cars B two cars starting from point बस एक क्वेश्चन के लिए इतना हम कर रहे हैं पॉइंट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली ठीक है Let the speed
ध्यान से समझ जाना इसको. लेट द स्पीड ऑफ कार एम बी एक्स किलोमीटर पर आवर एंड कार एन बी वाई किलोमीटर पर आवर. ठीक है, अब इसमें दो अलग अलग केस दिया है. पहला केस क्या है, वेन दे बोथ गो इन सेम डायरेक्शन. केस फर्स्ट क्या है इसका, वेन बोथ मूव्स इन सेम डायरेक्शन, बोथ मूव्स इन सेम डायरेक्शन. ठीक है, तो ध्यान देना, जैसे तुम्हारा पॉइंट ए ये हो गया और पॉइंट बी ये है, यहां से कार एक्स चलना शुरू किया और पॉइंट बी से कार वाई चलना शुरू किया, तो ऑब्वियसली जो दोनों कार मीट करेगा सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो इन दोनों पॉइंट से आगे ही कहीं मीट करेगा. ये चीज तो समझ में आया सबको. ठीक है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो दोनों कार इस 90 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है दोनों दोनों पॉइंट के बीच में उससे आगे ही कहीं ना कहीं मीट करेगा. समझ में आया, तो देखो अब दोनों मीट कर रहा है तो जो कार एक्स यहां से चला पॉइंट ए से चला वो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा, यहां तक करेगा एसी, और जो कार बी था ये कार वाई क्या नाम रखा मैंने एन है वो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा, तो बीसी का डिस्टेंस कवर करेगा. समझ में आया यहां तक. तो अब डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार एक कार डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार एम कितना होगा डिस्टेंस इसके द्वारा, तो एसी. ठीक है, टोटल डिस्टेंस एसी और इसका स्पीड कितना मैंने अज्यूम किया था, कहां गया x किलोमीटर पर आवर, तो कार डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार एम कितना हो जाएगा, तो एसी इंटू, तुम ऐसे लिख सकते हो. और कुछ दिया है क्या इसमें क्वेश्चन में, अ कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड सेम डायरेक्शन. अच्छा, दोनों में टाइम दे रखा था. ठीक है, कोई नहीं. तो पहले तो ये टोटल डिस्टेंस कार एम कितना ट्रेवल किया, एसी डिस्टेंस ट्रेवल किया एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड जहां पे डाउट होगा पूछना बाय कार एन वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो बीसी डिस्टेंस ही ट्रेवल किया, इतना सा बस. अब ध्यान देना ये दोनों कितने देर में मीट कर रहा है, अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो 9 आवर्स में मीट कर रहा है. ठीक है, इफ दे गो बोथ इन सेम डायरेक्शन दे मीट इन 9 आवर्स. तो ये ध्यान रखना, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार एम इन 9 आवर कितना होगा, कार एम इन 9 आवर्स. तो डिस्टेंस कितना होता है, स्पीड इनटू टाइम, तो इसको कितना लिख सकते हो 9x. एंड उसी तरीके से डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार एन इन 9 आवर्स, तो ये कितना, इसका स्पीड मैंने कितना अज्यूम किया था, वाई किलोमीटर पर आवर, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना, तो 9y. अब ये ध्यान देना, कार एम कितना चला एसी, कार एन कितना चला बीसी. तो जब तुम एसी और ऐसे इसको लिख लेना, जो एसी है तुम्हारा टोटल जो एसी है उसको क्या लिख सकते हो तुम लोग, ए बी प्लस बीसी लिख सकते हो, समझ रहा है. और एसी डिस्टेंस कौन कार ट्रेवल किया है, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार एम, तो इसको तुम 9x अज्यूम कर सकते हो. ए बी तुम्हारा 90 किलोमीटर फिक्स है और बीसी जो है ये बीसी ये कितना डिस्टेंस मैंने अज्यूम किया है इसको 9y. तो यहां से एक इक्वेशन क्या आ जाएगा तुम्हारा, 9x माइनस 9y इक्वल्स टू 90, 9 कॉमन लेना तो x माइनस y इक्वल्स टू 10, इसको इक्वेशन 1. यहां तक किसी को डाउट, केस फर्स्ट में किसी को डाउट तो फिर से पूछना. सब बीसी डिस्टेंस है ना. हाँ हाँ, तो बीसी डिस्टेंस कितना हुआ, जो कार बी ट्रेवल किया उतना ही ना, सॉरी कार एन, समझ रही है, जैसे कार एन मैंने बोला 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया तो बीसी कितना हो जाएगा बताओ. जो कार 10 किलोमीटर ही मैंने बोल दिया तो 10 ही बोलेगी ना. हाँ. तो अभी यहाँ पे
बी से कौन सा कार चलना शुरू किया है, जो कार एन है, तो यानी कार एन जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वही तो बीसी का डिस्टेंस होगा। ये समझ में आ रहा है ये पॉइंट? यस सर। हाँ तो सर नाइन वाई नहीं होना चाहिए ना, 9 किलोमीटर होना चाहिए ना। यहाँ पे तुमको डिस्टेंस पता है क्या? नो सर नहीं पता है। यहाँ बस तुमको ये पता है कितना देर कार एन चला है और कितने स्पीड से चला है, ये पता है। एग्जैक्टली डिस्टेंस नहीं पता है, तो 9y ही लिखेंगे ना। स्पीड इनटू टाइम, अगर डिस्टेंस पता होता तो डिस्टेंस लिखते हैं। और उसी तरीके से एसी के लिए आया, एसी कितना डिस्टेंस होगा, तो जितना कार एम चला होगा, कार एम कितना चला है तो 9x चला है। ठीक है, कुछ पूछना था क्या प्रिया? नहीं सर, वो आपका आवाज चला गया तो फिर से लीव करके फिर रिजॉइन किया। तो ये कुछ आया समझ में? यस सर समझ गए थे, फिर उसके बाद आप अभी बोल रहे थे ना जो वो कट गया था, तो बताना पड़ेगा फिर से। नहीं सर समझ आ गया। ठीक है, तो पहला केस ये बना, उसी तरीके से केस टू, व्हेन दे बोथ गो इन अपोजिट डायरेक्शन, व्हेन बोथ मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन, मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे एक कार पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी हुआ, इस पॉइंट से कार एम चलना शुरू किया, कहीं यहाँ और इस तरफ, और पॉइंट बी से कार बी एन एन चलना शुरू किया और कहीं इस पॉइंट पे मिल गया दोनों। ठीक है, पॉइंट सी पे दोनों कार मीट कर गया। कुछ पूछना है क्या क्षितिज? नहीं सर बन गया, बता रहे तो केस वन बस नहीं बना पा रहे। अच्छा अच्छा चलो कोई बात नहीं। तो अब देखो सेकेंड वाले सिचुएशन में दोनों कार कितने देर में मिल रहा है, तो 9/7 आवर्स में। कितने देर में मिल रहा है, तो 9/7 आवर्स में। तो सेकेंड केस में डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार एम इज इक्वल टू एसी। ठीक है, एसी ही ट्रेवल किया ना कार एम, और ये कितने के बराबर हो जाएगा, तो 9/7 × x स्पीड इंटू टाइम। एंड सिमिलरली डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार एन, ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया कार एन, बीसी डिस्टेंस, और ये कितने के बराबर हो जाएगा, तो 9/7 × y। तो यहां से तुम फिर क्या इक्वेशन लिख सकते हो, क्लियरली ये लिख सकते हो, जब तुम एसी और बीसी को ऐड करोगे तो ये कितने के बराबर मिल जाएगा, एबी के बराबर मिलेगा, और एबी अभी भी कितना है, 90 है, और एसी कितना हो गया, तो 9/7 x, BC कितना हो गया, 9/7 y, और AB कितना, 90। ठीक है, फिर यहाँ से 9 कॉमन ले लेना, तो x/7 + y/7 = 10, इसलिए x + y = 70, ये आ जाएगा तुम्हारा दूसरा इक्वेशन। किसी को डाउट इसमें, किसी को डाउट इस क्वेश्चन पे? 2-3 क्वेश्चन इस बेस पे बनाते चलना, ताकि आगे सब कुछ क्लियर होते चला जाए तुम्हारा। कुछ पूछना है इस क्वेश्चन में किसी को तो बोलो। चलो बढ़िया है, तो इस पे कुछ क्वेश्चन दे देंगे, पैकेज में दे रखा है, उससे खुद तुम लोग बना लेना। क्लियरली? क्लियरली नहीं, क्लियर है? चलो फिर ठीक है, इस पे एक क्वेश्चन और करो, थोड़ा इस पे ज्यादा क्वेश्चन कराएंगे आज, वो शायद हम तुम्हें 2-point फॉर्म का इक्वेशन वगैरह नहीं सिखा पाएंगे, तो अगले क्लास में वो सब चीज हम सिखा देंगे तुम लोग को। मैं क्लास के लास्ट में बता दूंगा अगले क्लास में क्या क्या सिखाने वाले हैं, थोड़ा पढ़ के आना वो सब चीजें जो भी 11th में मैथ्स वगैरह लेने वाला है, तो थोड़ा पढ़ के आओगे। जैसे क्वेश्चन है इसमें,
पार्सली वाई ऐसा करके क्वेश्चन पूछता है कि कोई मैंने वो पार्सली कार से ट्रेवल किया जर्नी और कुछ पार्ट ट्रेन से जर्नी कंप्लीट किया, तो उस सिचुएशन में स्पीड ऑफ ट्रेन और कार निकालने बोलता है। जैसे क्वेश्चन है तुम्हारे पास, A man travels. A man travels 6 kilometers parsley. इसके पहले दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, दोनों इक्वेशन को, फिर वहां से निकल आएगा स्पीड। तो a man travels 600 kilometers parsley by train and parsley by car. If he covers 400 kilometers, if he covers 400 kilometers by train and rest by car, it takes 6 hours and 30 minutes. 30 minutes. But if he travels 200 kilometers by train and rest by car and rest by car, he takes half an hour longer. Find the speed of the train and the car. 200 किलोमीटर है कितना? उस सेकंड केस में 200 किलोमीटर है। हाँ, 200 किलोमीटर। हाँ, find the speed of train and car. बना क्या किससे? इसमें टाइम के टर्म में इक्वेशन निकालना, क्योंकि इसमें तुम्हारा टाइम फिक्स है दोनों केस में, तो टाइम के टर्म में इक्वेशन बना लेना, बन जाएगा। कुछ आया क्या? हेलो सर, 100 और 80। 100 और 80, ठीक है। इसका आंसर है तुम्हारा 100 किलोमीटर पर आवर एंड 80 किलोमीटर पर आवर। ट्राई करना सब कोई।
या डिस्कस कर दें, जैसा बताओ तुम लोग। बोलिए, डिस्कशन किया जाए या ट्राई करोगे? बन गया सुजो इसे भी, चलो अच्छी बात है। हाँ बनना चाहिए, इसमें टाइम के टर्म में इक्वेशन निकाल लेना। प्रिया से भी बनी गया, दीक्षा एंड हर्ष। देखना इसमें कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, एक बार बना लेना सब कोई। क्वेश्चन क्या ही दे, खुद से करते रहना। इसमें दे रखा है बहुत सारा क्वेश्चन, ट्राई करना इसका। ये बनाया था तुम लोग जो ओलंपियाड का, इसका एक्सरसाइज है ना, इसमें बहुत सही क्या लिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन दे रखे। इसको एक बार खुद से सबको ही बनाना, लास्ट क्लास में ही बोले थे। जैसे तुम्हारा ये सारा क्वेश्चन है, 19 हो गया, सब सब अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, एक और ट्राई करना। ठीक है, इसमें फिर पैकेज में तुम्हारे इस पेज में देखो एक्सरसाइज 3 है जो पूरा का पूरा वर्ड प्रॉब्लम पे ही है। तो इसमें सब मत बनाते रहना, कुछ एक क्वेश्चन जैसे, लेकिन इस वाले सेक्शन पे फोकस रखना, बेस्ड ऑन डिस्टेंस वाला है, बेस्ड ऑन टाइम एंड डिस्टेंस, इस पे फोकस होना थोड़ा। एजेस वाला तुम लोग कर लोगे खुद से, और इधर फिर बेस्ड ऑन नंबर से, इसमें भी तुम लोग को दिक्कत नहीं आएगा, और आर्टिकल एंड देयर कॉस्ट पे भी उतना दिक्कत नहीं आता है। तो तुम्हारा मेन फोकस किस पे होना चाहिए, तो डिस्टेंस वाले पे ज्यादा फोकस रहना, फिर मिसलेनियस एक करते रहना, मिसलेनियस वाला पोर्शन, और बेस्ड ऑन ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन, ये सब खुद से ट्राई करना। और फिर हम अगले क्लास में फिर मिलेंगे, जब भी होगा अपना अगला क्लास। और अगले क्लास में हम लोग थोड़ा सा आगे का चीज जानेंगे, जो कि तुम्हारा रिलेट होता है एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या क्या हो सकता है। एक तो जैसे जैसे तुम ये जितना भी लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हो अभी, ये सारा का सारा एक कैसे स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है ना, तो तुमको वही सिखाएंगे आगे की क्लास में, कि अगर दो पॉइंट दिया हुआ है, जैसे कोई भी दो कोऑर्डिनेट पॉइंट दे रखा है एक लाइन का, दोनों एंड पॉइंट, उसका इक्वेशन क्या होता है। अगर एक एंड पॉइंट दिया है और एक स्लोप दिया है, तो लाइन का इक्वेशन क्या होगा। ठीक है, फिर अगर सिर्फ और सिर्फ एक एंड पॉइंट दिया है, तो उस केस में लाइन का इक्वेशन क्या होता है। और स्लोप, एक काम करना तुम, स्लोप थोड़ा पढ़ के आना सब कोई। किसी को आइडिया है क्या इन सब चीज का, किसी को भी है क्या स्लोप का? बस ये पता है कि ग्राफ और स्ट्रेट लाइन होता है mx plus c के फॉर्म में, y equals to mx plus c के फॉर्म में, जहाँ पे m क्या डिनोट करता है, स्लोप को डिनोट करता है। और स्लोप क्या होता है बताओ? स्लोप होता है tan थीटा, tan तुम लोग कहते हैं डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। अच्छा चलो कोई नहीं, उतना अभी नहीं डेल्टा वाई डेल्टा एक्स, ठीक है कोई नहीं, उतना भी हम वास्ट नहीं बताएंगे अभी। अभी थोड़ा सा बेसिक आइडिया इस पे इसलिए दे रहे हैं क्योंकि जो कुछ चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे ना तुम लोग का 11th वाला, तो इन सब चीज का जरूरत पड़ेगा। तो अगले क्लास में इन सब के अलावा हम लोग थोड़ा फोकस्ड होंगे मिसलेनियस बर्ड प्रॉब्लम पे, वो क्वेश्चन कुछ करवा देंगे तुम लोग से, जो कि बर्ड प्रॉब्लम का मिसलेनियस वाले कंसेप्ट पे होगा। और एक तुम्हारा बच गया है अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम का केस, ठीक है। तो इन सब पे क्वेश्चन कर लेंगे, और ये चैप्टर खत्म करके फिर जो मैंने बोला अभी इक्वेशन, लाइन का इक्वेशन थोड़ा सा पढ़ा देंगे, ताकि आगे जो भी सर पढ़ाए तुम्हें उस वाले पोर्शन में तुम्हें दिक्कत ना आए। आज तो बेसिकली सिर्फ क्वेश्चन ही कराए, सोल्यूशन किसी का हम दिए नहीं, एक क्वेश्चन का सोल्यूशन दिए थे। इसको सबको अच्छे से एक बार फिर से ट्राई कर लेना,
और ऐसे भी तुमको ऑलरेडी बोल रखे हैं कि जो डिस्टेंस वाला क्वेश्चन है उस पे ज्यादा फोकस दो ना, डिस्टेंस वाले पे, और तुम्हारा जो मिसलेनियस है मिसलेनियस पे इसलिए बोल रहे हैं ना फोकस दो ना, क्योंकि जैसे देखो जो तुम्हारा ये एक्सरसाइज है ओलंपियाड वाला एक्सरसाइज जो दोनों दे रखा है, इसमें कुछ एक क्वेश्चन मिसलेनियस के टर्म में ही हो सकता है। जैसे ये 19 मैंने टिक किया था, इसको करके देखना, ये 23 हो गया, फिर तुम्हारा 25, ये सब क्वेश्चन खुद से बनाते रहना घर पे बैठ के, ठीक है। ये सब तो तुम्हारा डिस्टेंस वाले पे आ जाएगा, तो ट्राई करते रहना। और मैंने बोला है क्वेश्चन क्वेश्चन क्या करोगे पोस्ट कर देना उधर ग्रुप में, वहां से फिर डिस्कशन हो जाएगा, ठीक है।